नमस्ते, प्रतिभा फिरोदिया किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम देखेंगे व्रत में खाई जाने वाली साबूदाने की खिचड़ी। साबूदाने की खिचड़ी बनाने के लिए हमें चाहिए भिगोया हुआ साबूदाना, ये उबला हुआ आलू है, मूंगफली है, हरी मिर्च है, स्वादानुसार नमक है, स्वादानुसार थोड़ी शक्कर है और शुद्ध घी है। ये साबूदाना खिचड़ी आप शुद्ध घी के बजाय मूंगफली के तेल में भी कर सकते हैं। ये साबूदाना है, इसे भिगोया नहीं है, इसे इंग्लिश में सैगो भी कहते हैं। इसे हमें 5-6 घंटे के लिए भिगोना है। मैंने मेरा साबूदाना रात में भिगोया है क्योंकि उसकी खिचड़ी बहुत मुलायम बननी चाहिए। आप अगर रात में नहीं भिगोना चाहते हैं तो आप सुबह भिगोए, आप 6 घंटे तो ये साबूदाना भिगना चाहिए। तो ये अब मैं कैसे भिगोना है ये दिखाती हूँ आपको। जितनी खिचड़ी बनानी है उतना साबूदाना आपको लेना है और ये साबूदाने में भिगने तक पानी डालना है। इसे पूरा भिगोना है पानी में और 1 मिनट के लिए रखना है। 1 मिनट के बाद इसका पूरा पानी हम निकाल देंगे। 1 मिनट हो चुका है, अब हम इसका पूरा पानी निकाल देंगे। अब इस साबूदाना के पानी मैंने पूरा निकाल दिया है। अब इसे 5 से 6 घंटे तक आपको भिगोना है। सुबह ये साबूदाने के दाने ऐसे खुले खुले हो जाते हैं, उसको पूरा खुला करना है अपने हाथों से या चम्मच से। 6-7 घंटे के बाद हमें देखना है ये साबूदाना खुला हुआ है, ये देखना है ये सख्त है या नरम है। ये तो नरम बन चुका है क्योंकि मैंने सुबह उठने के बाद, मैंने ये रात में भिगोया है और सुबह उठते ही उसके ऊपर ऐसे पानी का छिड़काव डाला है। ऐसे ऊपर से पानी से छिड़काव देना है और वापस उसे आधे से 1 घंटे तक रखना है, बाद में वापस उसे खुला करना है। तो ये साबूदाना हमारा इस तरह बन जाता है। ये बहुत नरम है, इसकी खिचड़ी बहुत मुलायम बनती है, अच्छी बनती है, इसलिए ये सब प्रोसेस आपको ध्यान में रखनी है। ये 1 कटोरी साबूदाना मैंने लिया था भिगो के, इसका 2 कटोरी साबूदाना बन गया है। ये 2 प्लेट साबूदाना बन जाएगा। 1/2 कटोरी या 1/2 कटोरी से थोड़ा कम हम मूंगफली के दाने लेंगे। ये भुने हुए हैं और इसमें 2 हरी मिर्च डालेंगे। किसी किसी को ऐसे टुकड़े डाल, बगैर में टुकड़े डाल के खिचड़ी करना पसंद है तो आप वैसे भी बना सकते हो, लेकिन ये दाने में अगर मिर्ची डालते हो तो खिचड़ी बहुत अच्छी बनती है। आपको जैसे पसंद हो आप वैसे ही खिचड़ी बनाना है। मैं अब ये दाने के साथ ये मिर्ची पीसूंगी। इसे दरदरा ही पीसना है। ये मैंने ऐसे दरदरा पीस के लिया है। मैंने 2 ही हरी मिर्च ली है क्योंकि मेरी हरी मिर्च तीखी है। आपके जैसे तीखी चाहिए वैसे हिसाब से आपको मिर्च, हरी मिर्च लेना है। अब हम देखते हैं खिचड़ी को कैसे पकाना है। गैस मैंने ऑन कर दिया है। अब हम उसमें ये छोटे वाले 2 चम्मच मैं घी डालती हूँ इसमें। अब हमारा घी गरम हो चुका है, इसी में मैं अब क्रश किए हुए मूंगफली के दाने डालती हूँ। मैंने 1/2 ही डाला है, 1/2 से थोड़ा ज़्यादा डाला है, थोड़ा बचा के रखा है। इसे थोड़ा भुनना है। ये भुनने से हमारी हरी मिर्च पक जाती है। अब हम इसमें साबूदाना डालेंगे।
इसे खुला करके डालना है। गैस मैंने धीमी आंच पे ही रखा है। अब हम इसमें स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। पौन चम्मच नमक है। पाव चम्मच शक्कर है। अब हम इसे अच्छी तरह से खिलाते रहेंगे। बहुत खुली खुली हो गई है। खुली खिचड़ी सबको पसंद आती है। अगर आपका पानी ज़्यादा होता है तो चिपकी चिपकी खिचड़ी अच्छी नहीं लगती है, इसलिए ये सब खुला साबुदाना करना बहुत ज़रूरी है। ये साबुदाना का कलर चेंज होते जाता है तब तक हम इसे पकाएंगे। इसे में कोई कोई जीरा भी बघार में डालते हैं, कोई धनिया हरा धनिया भी डालते हैं। आपको अगर पसंद है तो आप डाल दीजिए। अगर आपको व्रत नहीं है तो आप हरा धनिया और जीरा डाल के भी खा सकते हो। अगर आपको लगता है कि इसे क्रश के दाने कम हैं, तो हम बाद में भी इसे थोड़े दाने ऊपर से डाल सकते हैं। अगर आपकी खिचड़ी थोड़ी है तो 2 से 3 मिनट में खिचड़ी पक जाती है। ज़्यादा क्वांटिटी में है तो 5 से 7 मिनट में खिचड़ी पक जाती है। ये खिचड़ी का कलर चेंज हो गया है। हमारी खिचड़ी अब तैयार हो गई है। अब मैं गैस बंद कर दूंगी। मैं आधी खिचड़ी निकालूंगी और आधी खिचड़ी में आलू डाल के वापस थोड़ा पकाऊंगी। जिसे आलू पसंद है वो आलू के साथ खा सकते हैं, जिन्हें आलू पसंद नहीं है वो ऐसे भी खिचड़ी खा सकते हैं, नींबू के साथ या दही के साथ। ये हमारी खिचड़ी तैयार है। इसमें आप अगर आपके पास सूखा खोपरा है, आपको सूखा खोपरा पसंद है, तो आप थोड़ा सा सूखा खोपरा भी ऊपर से या सर्व करते हुए डाल सकते हो। अब हम इसमें ये छोटा आलू है उबला हुआ, इसके मैंने छोटे छोटे पीस करके लिए, ये अब हम इसमें डालेंगे। इस तरह से आलू डाल के भी आप खिचड़ी बना सकते हो। और खिचड़ी के साथ आप अलग आलू की सब्जी भी खा सकते हो, जिसका वीडियो मैंने व्रत का आलू की सब्जी वीडियो मैंने डाला है, आप देख सकते हो। आलू डालने के बाद 1-2-3 मिनट के लिए हमें वापस उन्हें अच्छी तरह से मिक्स करके लेना है। अब हमारी ये खिचड़ी तैयार हो गई है। आशा करती हूँ आपको मेरी ये साबूदाने की खिचड़ी पसंद आई होगी। आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल का बटन दबाइए, ताकि आप मेरी आगे वाली रेसिपी जल्दी से जल्दी देख सकोगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।